सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आपका अपने YouTube चैनल फार्मर अश्वनी चौधरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम वहाँ पहुँचे हैं, हमारे एक बहुत शौकीन भाई साहब हैं। देखो, अब मैं आपसे मिलवाता हूँ भाई साहब से भी, हमारे महिपाल भाई साहब हैं। पहले इसकी बात करी जाए, ये जो लोहान कंपनी का रोटावेटर है, इससे पूछते हैं छोटे भाई से। एक मिनट भाई, नाम क्या है? परवेज। कहाँ से वो भाई? जान सकते हैं तो क्या भाव जुताई करो दो बार के? अच्छा, चलो। तो ये देखो किसान भाइयों, जो लोहान कंपनी का है, कितनी चौड़ाई तक का करना चाहते हैं? 30, 28, 30, 32, तीनों में चल जा। अच्छा, तो देखो किसान भाइयों, हमारे भाई साहब ने पेटी कट गई, फूट का आने लग रही, तो उसकी आज जुताई करवा रहे। कितनी बढ़िया तरह, ज़रा मैं आपको दिखाऊंगा सारा नज़ारा। ओपनर का जखीरा भी है, गन्ना काट लिया तुरंत एकदम, इसके बाद पत्ती फूंक के पेटी फूट का रही, जुताई चालू कर दी। भाई चलवा के दिखाइयो। देखो किसान भाइयों, जैसा इसमें आप दोबारा निकाल रहे 1000 रुपये हो गए, ये दो बार के 500 रुपये ले रहे, एक बार के 250। मगर यार ज्यादा बता रहा, मेरा ध्यान नहीं बन रहा उसे दिखाने में। तो ये दो बार के 500 ज्यादा ले रहे भाई, ज्यादा है। 200 रुपये लिए थे यार पिछली बार, तो भाई पिछली बार भी 200 रुपये लिए थे। 20 रुपये तो 500 रुपये में तो तुम थोड़ मार लोगे। तो किसान भाइयों, ज़रा बात करी जाए इसकी जुताई की, तो बहुत अच्छी जुताई हो रही है। तो बात तो यह है, दो फेरी में फीट बना रहा है, लेकिन पैसे कुछ ज़्यादा बता रहा है। 250 रुपये, 250 रुपये तो ज़्यादा है किसान भाइयों। वैसे जुताई बहुत शानदार हो रही, जुताई बहुत शानदार हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक तो देखो भाई साहब ने कितना अच्छा प्रबंधन कर रखा है, इनकी नाली अलग से बना रखी पेड्डों की, और बीच में 14x14 पे 5 फूट आगे पहले नाली बनाई थी, ऐसे बता रहे। भाई साहब 500 रुपये तो ज़्यादा महंगा, तो गलत है 500 तो। हाँ अच्छा, आपने इसमें बोर्ड बोया था जी, पहले पेड्डे लगाए थे और? हाँ, पहले पेड्डे लगाए थे, नाली बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक बार हमारे किसान भाइयों को अपना नाम बता दो। मेरा नाम महिपाल है, गांव गाजीपुर। गांव गाजीपुर। तो भाई साहब, जैसा आपने पेड्डे लगाए थे, 1 साल के हो गए, कौन सी वैरायटी? ये है जी 48। 48। अच्छा, फिर इसमें गन्ना बो दिया है? हाँ, गन्ना बोया। 38 ही बोया था? हाँ जी 38। अच्छा, सामने खड़ा है, देख लो जी। अच्छा अच्छा, 60 का एवरेज दे रहा हूँ। अच्छा, 60 का एवरेज दे दिया अब 1 साल के पेड्डों में, और पेड्डे भी हो किसान भाई। पेड्डे को अगर बात कर जाए क्वालिटी की, तो बहुत बढ़िया पेड़ हो रहे हैं, मतलब नस्ल के पेड़ हैं, और सारे पेड़ बढ़िया एक सार खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भाई साहब ने इसमें रूट रिसर्च का प्रबंधन कर दिया। देखो अगेत्य काम की ऐसी बात होती है, कितनी साफ सुथरी तरीके से किसान भाई ने हमारे ये काम करवाया है। तो इसमें रूटरी कटवा कर टीलर भी कटवा दोगे एक बार? रुक के, हाँ बस पेड्डी फूटी आप कितने? पेड्डी फूटने लग रही है। हाँ, और बस फिर टीलर सही काम हो जा करेगा। मट्टी आपने कहीं से चढ़वाई थी? ये मट्टी तो इससे चढ़वाई थी, ये रूटरी वाला जो है इसी सही? हाँ इसी। हाँ, इन्हीं सही, इन्हीं सही। तो बहुत बढ़िया मट्टी बढ़िया चढ़ा रखी थी वैसे तो। तो देखो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है ये है कि गर्मा टाल लिया, अगर मौसम बारिश ना पड़ी तो पेड्डी तो फूट का रही जी। हाँ, गोरे का खेत है, सारी पेड्डी फूटती। अब वैसे मैं इस पर बताऊँ, आप मैं बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अगर आप कर सको तो एक बावस्टीन आती है, एक फंगीसाइड बावस्टीन का स्प्रेयर, एक इथरेल आता है फुटेर के लिए, आप अगर उसका बहुत अच्छी बहुत सस्ते हैं दोनों, उनका अगर स्प्रे मार दें किसान भाई, तो इस जलिंडे पे वो नीचे फंगस नहीं जाने देने की, और इथरेल का काम है वो एक तरीके से ग्रोथ प्रमोटर होता है, यहाँ से ही फुटेर करवा देगा, जहाँ से भी बिल्कुल इसमें आँख होगी, उसका काम ग्रोथ प्रमोटर है वो, और फंगस के लिए कार्बन डाइ मैन को जैम जो हमारी, मैं बता रहा हूँ आपको सबसे सस्ती, तो आप बॉस्टीन कर दियो।
तो किसान भाइयों देखो भाई साहब का कितना अच्छा प्रबंधन है। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है आज भाई साहब के प्रबंधन पे है कि अपनी खेती का कितना अच्छा प्रबंधन किया इन्होंने। तुरंत खेत खाली होते ही सार सबसे पहले तो इसमें पत्ती फूंक दी बीच में पेड़ का खेत था देखो थोड़ी थोड़ी, और सारे पेड़ साफ करे। उसके बाद इन्होंने नाली बना के देखो पहले जब ये लगाए थे नाली उली बना कितने सोने सुतरे और पच पच खूड इनके आगे 30 इंची के। तो किसान भाइयों अब इन्होंने पावर टिलर से जो ये जुतवा रहे हैं यो 8.5 हॉर्स पावर का है लोहान कंपनी का। और किसान भाइयों हमारे भाई साहब ने इतना अच्छा प्रबंधन करा इसका कि जी लगा मुझे खेत पा गया सबसे बड़ी बात। और गन्ना भी कोई इनका ऐसा नहीं 55-60 की रेंज का देखो गन्ना भी खड़ा है इसमें ये पॉपुलर के खेत में। और अब पेटी तो धड़क के फूटकारी जो फिलहाल कटी अपनी बेफिक्री सारा खेत अपना बढ़िया कर लिया। जो बेल रोक रखी इन्होंने अब जो गन्ना था कितना निमटा लिया। पॉपुलर की खेती करते हैं काफ़ी समय से। तो किसान भाइयों आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी बताइए। भाई साहब के पेड़ देखो कितने अच्छे शानदार पेड़ हैं नस्ल के बिल्कुल सारे पेड़ बिल्कुल एक साइज के खड़े और इतना सोना सुथरा प्रबंधन खेत का। और अब रूटावेटर से जुतवा देंगे उसके बाद टीलर कटवा देंगे कुछ रुक के तो खेत बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे। अपने खेत पर देखो किसान की निगाह जरूर होनी चाहिए अगर खेती बढ़िया करनी है आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा। और देखो रोटरी से अब दो फिर रोटरी निकलने से इतना बढ़िया होगा ये बहुत बारीक तो इसमें अब पेड्डी से ऐसा फूट खा जाएगी फिर अपना इसकी आठ आठ पर फावड़े लगवा दो। तो किसान भाइयों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए शेयर करिए। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।